Last question this exercise, question number 16. If AD and EM are median of triangle ABC, so this is triangle ABC, ABC, and this is triangle PQR, PQR, and this is AB and C, right? And question given, if AD and PM are median of the triangle, median sum of the side two equal parts में divide करते हैं, मतलब AD and this is PN, right? PN, right? Then respective and एक और चीज क्या दिया हुआ है, given में क्या हुआ है, median मतलब BD equal to BC हो गया, and क्योंकि AD is a median and QM equal to MR, right? Because AD and PM median of triangle, okay? Then एक और चीज दी कि triangle ABC similar triangle PQR, okay? Then two proof. आपको क्या प्रूव करना है, AB upon PQ equal to AD upon PQ, ये आपको प्रूफ करना है, ओके? तो कैसे प्रूफ करेंगे हम? तो हम कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले प्रूफ, राइट? हमारे पास अगर AD मीडियम, ओके? तो ABC एंड PQ वाला अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट है, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQ वाला, ये दोनों सिमिलर है, इसका मतलब इनकी साइड की रेशियो भी AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QI AC अपॉन PM, ये तीनों साइड के रेशियो इक्वल हो, देन इसकी जगह अगर हम ऐसा लें, अब इसमें से हम कोई भी तीन इक्वल है इसको ले लें, तो क्या हो जाएगा, और AB अपॉन PQ इक्वल BC, किसका हाफ है, BD का, तो 1 अपॉन 2, 2 टाइम ऑफ BD भी राइट कर सकते हैं, है ना, 2 टाइम ऑफ BD अपॉन 2 टाइम ऑफ QM, ऐसा भी राइट कर सकते भाई, BC जो है हाफ है इसका, 1 अपॉन 2 BC का, इसको ऐसा लिख देते हैं 1 अपॉन 2 BC, और सॉरी फिर से लिख देते BC, तो हम लिखते हैं और BC, तो BC को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम ऑफ BD लिख सकते हैं, 2 टाइम ऑफ BD, एंड QR को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम ऑफ QM, ऐसा लिख सकते हैं, राइट, इक्वल टू AC अपॉन PR, अब देखो 2 से 2 कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया AD अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AC अपॉन PR, राइट। अब हमें क्या प्रूफ करना है, AB अपॉन PQ ये तो आ रहा है, और क्या बचा है, AD अपॉन PM, अब AD अपॉन PM तो हम लिख सकते हैं, अब जब यहां पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल AB, अब इसको क्या होगा, ABD सिमिलर ट्रायंगल PQ है भाई, ये तीनों साइड के रेशियो इक्वल होगा, तो ये क्या होगा, नो AC अपॉन, सो AB अपॉन BD है ना, तो अब हमने इसमें लिख दिया इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, तो AB अपॉन PQ दिस साइड इक्वल टू दिस एंड BD अपॉन QM एंड BD अपॉन QM, ये दो साइड के रेशियो इक्वल, और पहले ही हमें एक और चीज मालूम है कि ये दोनों कॉम्पोनेंट है, तो एंगल ए बी इक्वल टू
एंगल की। अब ये इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर बाय एस एस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एफ। और जब ये सिमिलर होंगे तो इसकी साइड रेशो इक्वल होगी, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन पी एफ। सो लिख दीजिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन पी एफ, हेंस रूट यही हमको करना है। ओके दिस इज लास्ट क्वेश्चन है ना, दिस एक्सरसाइज दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 राइट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन योर एक्सरसाइज 6.3 राइट माय डियर फ्रेंड्स। सो यू विल ट्राई एट योर होम दैट क्वेश्चन, देन आप सभी लोग अपनी कॉपी भी कंप्लीट करें राइट। ओके बाय।